नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो बहुत आसान से ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारे घरों में हमेशा एक अच्छा सा एरोमा फैला रहेगा। और दिवाली आ रही है तो दियो की ज़रूरत भी थी, तो मैं ये दो साइज़ के दिए लेकर आई हूँ। ये छोटा वाला दिया है और ये मीडियम साइज़ का दिया है। इनको क्या करूँगी मैं, मुझे ना इनको कलर करना था, तो पहले सबसे इसको मैं क्या करूँगी, धो के रख लूँगी। धोने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें जो डस्ट है वो भी हट जाएगी, और जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो वो ज़्यादा ऑयल नहीं पिएगा क्योंकि हमने इनको धो रखा होगा। और अगर आप इनको बिना धोए इसमें ऑयल डालेंगे तो सारा ऑयल जो है दिया क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए जब भी आप दियो को यूज़ करें तो इनको एक बार ना धो लीजिए और उसके बाद इनको सूखने के लिए रख दीजिएगा। और इन्हें धोने के बाद ना इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, मन करता है कि इनको ना स्मेल करते रहो। तो इस तरीके से आप भी इन सारे दियो को ना पहले ही धो लीजिएगा। अभी तो मैं ना थोड़े लेकर आई हूँ, बीच में और लेकर आऊँगी। इनको जब मैं पहले कलर वगैरह कर लूँगी उसके बाद मैं और ले आऊँगी। थोड़े थोड़े मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ क्योंकि एक साथ ना बड़ा बर्डन पड़ जाता है, इसलिए इनको धीरे धीरे मैं कलर करके रखती रहूँगी। और सारे दिए तो देखिए धुल गए हैं और इनको अब रख देंगे सूखने के लिए। धूप में रखना चाहें तो धूप में रख दीजिए, नहीं तो इनको फैला के आप कहीं पर ज़मीन पे भी रख सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि घर में हमेशा एक अच्छी खुशबू आती रहे तो आप इस वाले आइडिया को मतलब कि ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ना, स्टोन टाइप का मार्केट में मिलता है, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। मैंने ये 10 रुपीज़ का लिया है, काफ़ी सारा आ गया। और ये देखिए इतने मोटे मोटे इसके स्टोन्स होते हैं। अब तो इसको खाने में यूज़ नहीं करते हैं, पुराने टाइम में ना इसको यूज़ करा जाता था, अब तो हम पैकेट वाला यूज़ करते हैं। इसमें ना काफ़ी सारी डस्ट वगैरह होती है इसलिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ना एनिमल्स वगैरह को खिलाने के लिए यूज़ होता है। ये मैंने कुछ डिब्बियाँ ली हैं और प्लास्टिक का बॉक्स लिया है। जब हम ऑनलाइन फूड वगैरह मंगवाते हैं उसमें ये काफ़ी सारे आ जाते हैं। और जो ना मैं आप लोगों के साथ रूम फ्रेशनर का आइडिया शेयर कर रही हूँ, इन्हीं बॉक्सेस में करूँगी वो। और ये गर्म करने के लिए इसमें हमें होल चेक करने हैं, तो मैंने लिया है। कोई भी शार्प चीज़ ले लीजिएगा आप, जिसे गर्म करके आप इन बॉक्सेस में होल कर सकें। ये मैं ले रही हूँ कम्फर्ट का फैब्रिक कंडीशनर। इसकी स्मेल जो है ना बहुत अच्छी होती है, काफ़ी सारे फ्रेगनेंसेस में ये मार्केट में अवेलेबल है। जो भी आपको खुशबू अच्छी लगती है आप इसको ले सकते हैं। मेरे पास ये वाला रखा है तो मैं ये ले रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन बॉक्सेस में होल करेंगे। और हमें ना इन बॉक्सेस में होल करने हैं, इसको मैं गर्म करके ना बॉक्सेस पे होल करूँगी। आप कोई भी शार्प चीज़ ले लीजिएगा, अगर कील है आपके पास तो कील से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप नाइफ वगैरह से भी इसमें होल कर सकते हो। 10 से 15 के करीब इसमें मैं होल कर लूँगी और छोटी वाली जो डिब्बियाँ हैं उसमें 5 या 7 होल करूँगी। और अब करना ये है कि जो हमने नमक लिया है ये स्टोन वाला, इसको बॉक्स में ऊपर तक फिल कर देना है। हम रूम फ्रेशनर बना रहे हैं तो अच्छी खुशबू का होना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कम्फर्ट का फैब्रिक कंडीशनर। ये काफ़ी सारे फ्रेगनेंसेस में अवेलेबल है, जो भी आपको खुशबू अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये ब्लू वाला रखा था, मैंने ये आधा ढक्कन के करीब ले लिया है। और जो ये स्टोन वाला सॉल्ट है इसके ऊपर मैं इसको डाल रही हूँ। अच्छी तरीके से डालना है ताकि जितना भी है ये नीचे चला जाए इसके, और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और इस तरीके से सारे कंडीशनर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। जब तक इस पे कंडीशनर रहेगा, ये आपको ब्लू कलर दिखता रहेगा, तब तक इसमें से अच्छी खुशबू आती रहेगी। और अब इसका जो लिड है उसको लगा देना है, जो हमने लिड पे होल करे हुए हैं, इससे जो खुशबू है चारों तरफ इसमें से निकलती रहेगी और आपके घर में हमेशा एक अच्छा सा एरोमा फैला रहेगा।
इन दोनों छोटी डिब्बियों में भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया और इसमें अब मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशनर की 5 से 6 बूंदें डाल दूंगी और फिर उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप ऐसी छोटी डिब्बियाँ काफ़ी सारी बना लीजिए, जहाँ पर भी आपको लगता है बैड स्मेल आती है, जैसे बाथरूम वगैरह में, आप वहाँ पर भी इनको रखिए, बैड स्मेल गायब हो जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। और देखिए घर में कितना अच्छा रूम फ्रेशनर बनके तैयार हो गया। अब आपके घर में फेस्टिवल्स के टाइम पे गेस्ट आएंगे, उनको भी एक अच्छी सी खुशबू का एहसास होता रहेगा और घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमेशा बना रहेगा। चलिए अब इन रूम फ्रेशनर्स को रख के देखते हैं कहाँ पे रख सकते हैं। आप चाहें तो रूम्स के कॉर्नर में रख सकते हैं या ड्राॅइंग रूम की सेंटर टेबल के पास रख दीजिए। इसमें से हमेशा जो खुशबू है चारों तरफ फैलती रहेगी, आपके घर में जब भी गेस्ट आएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छी खुशबू का एहसास होता रहेगा। जो ये छोटी वाली डिब्बियां हैं मैंने इनको वॉशरूम में रखा है, यहाँ से जो भी बैड स्मेल है कभी भी आपको महसूस नहीं होगी, हमेशा अच्छी स्मेल महसूस होती रहेगी। सेकंड आइडिया जो है घर में खुशबू को लाने के लिए, मैंने यहाँ पे शॉपिंग बैग का यूज किया है। आप यहाँ पर कॉटन फैब्रिक का भी यूज कर सकते हैं। इस वाले बैग को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि जो इसमें से स्मेल है आराम से ना बाहर की तरफ आ सकती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से आपको पीसेस को काट लेना है। इसके जो 4 साइड्स हैं इनको आपको 3 साइड्स को चिपकाना है, एक साइड को ओपन रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको काट लिया है, इसके जो एक साइड तो अभी चिपकी हुई है और दोनों साइड्स को मैं चिपका दूंगी। चिपकाने के बाद ये एक पाउच जैसा बन जाएगा। अब करना क्या है, ग्लू ले लीजिए। ग्लू लेने के बाद जो हमने ये पीस काटा है इसके 3 साइड्स को चिपका दीजिए और एक साइड को ओपन रखिएगा। इस तरीके से हमारे पास एक पाउच बन के रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 पाउचेस बनाए हैं, आप 2-3 जितने भी आपको ज़रूरत है उतने पाउचेस को बना लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा प्लास्टिक के पाउचेस का बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, आप कॉटन फैब्रिक का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। करना ये है आपको लेना है टैल्कम पाउडर, जो भी आपको टैल्कम पाउडर अच्छा लगता है वो ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अभी ये वाला लिया है डेनवर का, मेरे पास फिलहाल तो यही रखा हुआ था। 1 से 1.5 चम्मच के करीब आपको पाउडर लेना है और जो पाउचेस हम बना रहे हैं उसमें इसको डाल के ना इसका माउथ बंद कर देंगे। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। और ध्यान रखिएगा आप ना प्लास्टिक के पाउचेस मत बनाइएगा। अगर आपके पास ये वाले बैग्स नहीं हैं, कॉटन फैब्रिक रखा है तो उसके पाउचेस भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने पाउच बना लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2 पाउच बनाए हैं मैंने, आप 3-4 जितने भी आपको ज़रूरत है उतने बना लीजिएगा। और अब मैं इसका क्या करने जा रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे जो बेड होते हैं इस पर पिलोज होते हैं, इन पिलोज में आप ना इन पाउचेस को डाल दीजिए। ऐसे ही आप ना सोफे पे कुशंस होते हैं उनमें भी आप डाल सकते हैं। बस कुशन कवर के अंदर आप इनको डाल दीजिएगा और देखिए बेड पे जब आप लेटेंगे या बैठेंगे आपको बहुत अच्छी सी खुशबू हमेशा आती रहेगी और जो एरोमा है पूरे घर में हमेशा फैला रहेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी आइडिया अच्छा लगा है और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।